अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे ये बताएं कि अभी महंगाई जो बढ़ रही है जी, सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल मजीद महंगा हो रहा है जी जी, तो उसमें आप क्या करेंगे? अभी क्या कह रहे हैं, अल्लाह का आसरा है, बहुत महंगाई होगी। परवेज मुशरफ से बात, जितने लोग आए सब कब आए, चोर हैं, सब दले के बचे हैं। और उसके दौर में चीनी 1000 रुपये में तरोड़ा थी, 14 साल के अंदर वो 8900 की हो गई है। शॉपर उसने ये 5 के बेच रहे, अभी 50 का बेच रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप शॉपर बेचने का काम कर रहे हैं जी जी, मेरी बात मजदूर है ना, ये मैं तो कितना कमा लेते हैं और फिर आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? 500-600 रुपये कमा लेते हैं खा पी के। तो 500-600 में अभी बिजली का बिल भी आ गया। हमारा बिजली का बिल उधर है, हम पानी वाली बिजली चलाते हैं, 80 रुपये महीने का देते हैं। तो हमारा इलाका ठंडा है। आप किस इलाके से? मनसेरा से, जिला मनसेरा से जी। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं 600 रुपये डेली के कमा के? बस अल्लाह का करो, बस 18,000 महीने का बच जाता है। तो ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गई है जी, इससे आप क्या समझते हैं कि इन्होंने 16 महीने की जो गवर्नमेंट की उसमें ये आपको आवाम को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नुकसान हुआ है, बोल कर नुकसान है। क्या नुकसान हुआ है? जब इमरान खान के दौर में आटा 3,000 में था, जब छोड़ के जा रहा था, अभी वो 6,000 से ऊपर है, तो फिर नुकसान ही है ना। ठीक है। और पेट्रोल वो 150 रुपये वाला अभी 300 रुपये का, 80 रुपये में था, अभी 300 रुपये में फिर होगा। ये सब चोर हैं। तो इलेक्शंस में आप क्या समझते हैं, कौन सी जो हुकूमत है वो आनी चाहिए? इलेक्शन में मैं कहता फौजी हुकूमत ठीक है, फौजी हुकूमत ठीक है। हाँ, मतलब फौजी हुकूमत में आ जाए तो सही है जी जी, बाकी सारे चोर हैं। तो इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सबसे बड़ा चोर है। अच्छा, इमरान वो भी चोर है, शहबाज शरीफ उससे भी ज़्यादा चोर है।